क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है? एक रिएक्शन दिया हुआ है गैल्वेनिक सेल में होने वाला रिएक्शन, और उस गैल्वेनिक सेल में होने वाले रिएक्शन में दो रिएक्शन है। तो फर्स्ट पहले बनाते हैं टू क्रोमियम सॉलिड प्लस थ्री कैडमियम सी डी प्लस टू एक्वस। ये बन जा रहा है टू क्रोमियम प्लस थ्री एक्वस प्लस थ्री सी डी सॉलिड। ये चीज है। अच्छा, इसमें एक चीज जो फाइंड करना है इनोड सेल, तो इनोड सेल के लिए आपको प्रॉब्लम यहां पे क्या करेगा? प्रॉब्लम करेगा आपको इन सब का पोटेंशियल। इनका देखिए पोटेंशियल आपको याद नहीं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन याद रखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पोटेंशियल आपको जरूर दिया जाएगा। सबका पोटेंशियल का वैल्यू रटने का जरूरत नहीं है। अगर आप रटते हो एक्सटर्नल नॉलेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रख सकते हो। हम कुछ पोटेंशियल लिख देते हैं, जैसे हमको इसमें जरूरत पड़ेगा किसका, E नॉट ऑफ सी आर टू सी आर प्लस थ्री, इसका वैल्यू होता है 0.74। उसी तरीके से दूसरा जरूरत पड़ेगा E नॉट सी डी टू प्लस, इसका वैल्यू होगा 0.40 कैडमियम। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन और सिल्वर, तो आयरन और सिल्वर का उसका भी देख लेते हैं। जो आयरन का जरूरत पड़ेगा वो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रिएक्शन में इसका जरूरत पड़ेगा, इसका वैल्यू है -0.771। और नेक्स्ट है Ag टू Ag प्लस, इसका वैल्यू -0.799। अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को अब देखने लायक हो गए। देखिए तीन चीज में पता करना है 298 केल्विन पर। अच्छा, इसमें सबसे पहले बता सकते हो इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होता होगा, n का वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रांसफर। एक क्रोमियम थ्री प्लस बना रहा है, मतलब एक क्रोमियम तीन इलेक्ट्रॉन लॉस करके थ्री प्लस बना रहा है, तो दो क्रोमियम छह इलेक्ट्रॉन, एन का वैल्यू 6। पहला चीज पता कर लीजिए। ई नॉट सेल पता करना है, तो ई नॉट सेल पता करने का क्या तरीका होगा, आप इसमें पहले देखो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सी आर टू सी आर प्लस थ्री। ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखे, क्यों, क्योंकि क्रोमियम यहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है। प्लस E नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, CD2 प्लस से CD बन रहा है, CD2 प्लस से CD बन रहा है, तो कैडमियम आयन कैडमियम बन रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। इन सब का वैल्यू दीजिए, E नॉट सेल निकल जाएगा, इसीलिए हम इनका पोटेंशियल लिख दिए क्वेश्चन में। अब एक चीज, CR से CR3 प्लस, ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.74 प्लस, CD प्लस से CD2 प्लस से CD, यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू 0.4 है, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू -0.40। इन सब में वोल्ट लगा दीजिए, इतना वोल्ट होता है, और इनको सॉल्व करिए तो प्लस में बैठ जाएगा 0.34 वोल्ट। ई नॉट सेल हम लोगों का निकल चुका है। दूसरा क्या निकालना था, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट क्या होता है, डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ E नॉट ऑफ सेल, नॉट लगा रहे नॉट वाला E नॉट सेल, डेल्टा जी निकालेंगे तो E सेल हो जाएगा। माइनस का माइनस, N का वैल्यू 6, F का वैल्यू 965000 कूलम्ब, E नॉट सेल, E नॉट सेल का वैल्यू है 0.34। इनको सॉल्व करिए, जो भी कुछ एनर्जी आएगा वो जूल पर मोल में आना चाहिए, डेल्टा जी नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी से बताइए, हम सॉल्व करते हैं। तो 6 × 96500 × 0.34 196860 माइनस में, ये जूल है सो किलो जूल ना दीजिए, पॉइंट अब यहाँ है 3.3 इलेक्ट्रॉन घसका दीजिए, -196.860
किलो जूल पर मोल, डेल्टा जी नॉट भी निकल गया। तीसरा चीज क्या निकालना है, के क्या होता है। देखिए हम लोग पढ़े हैं ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 28 केल्विन, 298 केल्विन पर माइनस 0.0591 बाई एन लॉग ऑफ क्यू, रिएक्शन क्वेश्चन जिसको कहते हैं। इक्विलिब्रियम पे ये जीरो हो जाता है, ई नॉट सेल का वैल्यू माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू पे जब आता है के, जब ई सेल जीरो होता है कहते हैं इक्विलिब्रियम आ चुका है, और इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन क्वेश्चन का वैल्यू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के बराबर होता है। इससे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट अगर सॉल्व करिएगा तो लॉग के का वैल्यू क्या जाने वाला है, ई नॉट सेल एन चल जाएगा इससे मल्टीप्लाई में, और एन आ जाएगा मल्टीप्लाई में बाई 0.0591। और के अगर निकालना है तो फिर यहां बेस में कितना है, लॉग लिखा हुआ मतलब बेस कुछ नहीं है, बेस 10 है, बेस हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ये पूरा वैल्यू आ जाएगा पावर में, एन ई नॉट सेल बाय 0.0591। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 0.0591 एन ई नॉट बाई 0.059 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये वाले सॉल्व करेंगे, पहले लॉग के इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल बाय 0.0591, एन का वैल्यू 6, ई नॉट सेल हम लोग निकाल चुके हैं 0.34, और 0.0591 को हम मान ले 0.06, यहां से हटाए ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल, 6 कैंसिल हो गया, के का वैल्यू आ गया 10^34। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नियरली इतना आ गया, हालांकि नियरली इतना नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना आ गया। बड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए, सबके आंसर मैच कर लेते हैं, आप भी मैच कर लीजिए।